अब्दुल लगाएगा फिर बिन लगाएगा, बिन लगा लगा के डस्टबिन बना देंगे नाम का। कह रहे ससुरा अच्छा है तो यूपीएससी नहीं दिया, नाम में फेल हो जाता। लोग नॉर्मलाइजेशन में बाहर जाते तो नाम लिखने में बाहर हो जाता। किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से। फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है, तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपना कोगो से हलाला कराते हैं। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को, 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90% केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे। और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। बकलोल कहीं का बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का? बैनर से छोटा है बेचारा। ये इस रिपोर्ट के अनुसार अब स्ट्राइक ना होकर बल्कि एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, इनके आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पे है। इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के यहाँ पर। हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि पाकिस्तान को टेंशन देना है ना तो जोधपुर के पास यहाँ फ्रांस को कुछ 6 महीना के लिए वायुसेना का अड्डा दे दीजिए। ससुरा टेंशन से मर जाएगा सब पाकिस्तान वाले, कि वहाँ से भगाए थे ससुरा खोपड़िया पे ले आकर बैठा दिया हम लोग को। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? अब ये देखिए ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम, ये देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साट ये रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। हर जगह से कर्जा लेके बैठे हैं, सऊदी अरब से लिए हैं, यूएई से लिए हैं, चाइना से लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक जो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म का कर्जा देता है 15 साल 20 साल 30 साल के लिए, और ये किसी न किसी डेवलपमेंट के लिए देता है वर्ल्ड बैंक। जबकि IMF इससे उलट है, IMF जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, 1-2 साल के लिए देगा, 3 साल के लिए देगा। अब बताइए किसी ने इससे भी कर्जा ले रखा है, इससे भी ले रखा है, अब कहाँ जाएगा? तो थर्ड नंबर पे इन लोगों ने कर्जा लिखा है पेरिस क्लब से। अब सोचिए जिस कंपनी का नाम तक नहीं सुने हैं आप लोग, वहाँ से ही ससुरा कर्जा लेके बैठा है सर, पहुँचा हुआ फकीर है सर आप। US का नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट दिया, यह रिपोर्ट 4 से 5 साल बाद पब्लिश होता है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अब स्ट्राइक ना होकर बल्कि एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2024 से 2025 के बीच में यह रिपोर्ट सही भी हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है। मोदी जी से बार बार पूछा जाता है कि हम लोग POK क्यों नहीं ले आ पाते। 1947 से 1948 के बीच में जैसे देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत का ये 30% एरिया जो ग्रीन वाला देख रहे हैं इसे POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिग्रहित कश्मीर, ये कब्जा कर लिया। और इसमें से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये जो था ये चाइना को गिफ्ट दे दिया था, ये इसे सक्सक्राम वैली कहते हैं। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कह देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे POK। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए। और इसमें ये सलमान खान एकदम खुश है, इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो एक मूवी बनाना चाहते हैं। एक था टाइगर नहीं, एक था पाकिस्तान, बना बहुत अच्छा, हम भी देखेंगे, चलेगा बहुत अच्छा मूवी। आप मत रोइए, मत रोइए। इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। और जन्नत में इनको 70-70 तो हूर मिलेगी, परी हूर परी मिलेगी। अजब हाल है ससुरे, इन सब का मेंटेलिटी देखो। हम लोग हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि मरने के बाद शांति मिलेगा, ये सब ससुरा दुनियादारी बहुत ख़राब। मरने के बाद तो सोचता है घूमो एकदम ठरक, मतलब वो 70% का व्यवस्था सोच के रखता है। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को, 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90%
केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे। और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। बस इनके फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता तो दूसरी दुनिया में जीत रही है। इन्हें लगता है गजवाए हिंद, हिंदुस्तान कोई बर्थडे का केक है, आएंगे काट के छल जाएंगे, गजवाए हिंद। अरे इतना थूरेंगे लोग ना थोड़ा पाकिस्तान को कि हम लोग पूरा पाकिस्तान को भगवाए हिंद करके रख देंगे। पंद्रह में सत्ता संभाले सऊदी अरब के राजा 82 साल के, उस अभी इनके बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मरने वाले हैं, कभी भी इनके फोटो पर माला लग सकती है। इनका नाम था सलमान बिन अब्दुल अजीज। ये नाम समझिए इसमें क्या होता है, बिन का मतलब होता है बेटा, तो ये जो बुढ़ऊ हैं ये हैं सलमान, और ये किन के बेटा हैं? अब्दुल अजीज के। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज यानी अब्दुल अजीज के ये बेटा हैं। ये 82 साल हो गए हैं, 2015 में ये सत्ता संभाले थे, और इनको पता था कि हम कभी भी मर जाएंगे। तो सऊदी अरब में मरने के बाद बेटा को गद्दी नहीं मिलेगी, बल्कि इनके भाई को गद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने बेटा को दे दिया। तो भैया ये जो हैं ये अब्दुल अजीज के बेटा हैं, इसलिए इनका नाम है सलमान और अब्बा का नाम है अब्दुल अजीज, तो इन्होंने लिखा सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो इनका बेटवा जो होगा ई भी बिन लगाएगा अपने बाबूजी के लिए। तो ई दाढ़ी वाले का नाम क्या है? मोहम्मद। अब बिन माने बेटा, किसका बेटा? तो ई सलमान का बेटा, तो मोहम्मद बिन सलमान। दादा का भी जोड़ना रहेगा तो बिन अब्दुल अजीज, और परदादा के जोड़ दे बिन बिन लगा के डस्टबिन बना दे, इतना बड़का नाम सोच रहा है, यहाँ आधार कार्ड में जगह ना बचेगा। ठीक हुआ तू एसएससी का तैयारी नहीं कर रहा, उन्हें नाम ही नहीं लिखता, रिजेक्ट हो जाता नाम के चक्कर। यहाँ यूएफएम में लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, और तू नाम में रिजेक्ट हो जाता। कोनो बात पे कहेगा सब, जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। एयर स्ट्राइक में ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। कहो हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सब। NRC भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो NRC भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से। हद है यार। और ये सब को देखते हुए फ्रांस ने भी इन लोगों को चिपका दिया है। क्या कहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया था मिराज 2000 जहाज। ये मिराज 2000 जहाज भारत के पास भी बहुत ज्यादा संख्या में है। जहाज का नाम है, ये संख्या नहीं है, 2000 मॉडल नंबर है यहाँ पर। ये जहाज बड़ी पुराने हैं, लेकिन उस समय के बहुत घातक थे। आज यही वो मिराज जहाज है जो कारगिल की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो फ्रांस ने कह दिया कि देखो भैया, ये जो मिराज जहाज है इसका जितना पार्ट पुर्जा है, ये पार्ट पुर्जा अब हम नहीं देंगे, तुम लगा लो। तो ये बेचारा इमरान खान ने चाइना को बोला कि हमारा पार्ट पुर्जा आप दे दीजिए। तो चाइना ने कहा ठीक हम दे देंगे। तो पाकिस्तान के पायलट ने कहा कि ना हम ना उड़ाएंगे, सोचा चाइनीज पार्ट पुर्जा रास्ता में बंद हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। फंस गया इनका डिफेंस सिस्टम भी, फंस गया यहाँ पर। क्या होगा देखिए, जब कभी पंचर साटने वाले लोग रफाल बनाने वाले लोग को चैलेंज करेंगे ना, तो यही होगा। सोच रहा कुछ नहीं मिला तो बकरी लेके चार जगह काटने लोगों, और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज एयरबस बनाने वाली कंपनी को। हद होती है इन लोग की, देखिए। पता नहीं सोच रहा कोने नशा में रहता है, बिन लगाएगा, बिन लगा लगा के डस्टबिन बना देंगे नाम का। कह रहे सोच रहा अच्छा है तो UPSC नहीं दिया, नाम में फेल हो जाता। लोग नॉर्मलाइजेशन में बाहर जाते तो नाम लिखने में बाहर हो जाता। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।